आज 23 अक्टूबर 1999 की अव्यक्त मुरली। मुरली का टाइटल है समय की पुकार, दाता बनो। आज सर्वश्रेष्ठ भाग्य विधाता, सर्व शक्तियों के दाता बाप दादा, चारों ओर के सर्व बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। चाहे मधुबन में सम्मुख में है, चाहे देश विदेश में याद में सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जहां भी बैठे हैं, लेकिन दिल से सम्मुख है ना, सभी सम्मुख बाबा के, कहें हाँ जी बाबा। उन सब बच्चों को देख बाप दादा हर्षित हो रहे हैं। ये दिल का हर्ष आत्माओं को बाप का अनुभव कराने वाला है, क्योंकि बाप भी सदा सर्व आत्माओं के प्रति सेवाधारी है, और आप सब बच्चे बाप के साथ सेवा साथी है ना सभी सेवा साथी। बाप के साथी और विश्व के दुखों को परिवर्तन कर सदा खुश रहने का साधन देने की सेवा में सदा उपस्थित रहते हो, सदा सेवाधारी हो। सेवा सिर्फ 4 घंटा 6 घंटा करने वाले नहीं हो, हर सेकंड सेवा की स्टेज पर पाठ बजाने वाले परमात्मा साथी हो। याद निरंतर है, ऐसे ही सेवा भी निरंतर है। अपने को निरंतर सेवाधारी अनुभव करते हो या कुछ घंटे के सेवाधारी है, ये ब्राह्मण जन्म ही याद और सेवा के लिए है। और कुछ करना है क्या? नहीं ना, हर श्वास हर सेकंड याद और सेवा साथ साथ है, या सेवा के घंटे अलग है और याद के घंटे अलग है, ऐसे तो नहीं है ना। अच्छा, बैलेंस है। अगर कुछ परसेंट सेवा के है, कुछ याद के है, कुछ कम ऊपर नीचे है, तो बैलेंस नहीं हुआ ना, अंतर पड़ गया। कर्म योगी का अर्थ ही है कर्म और याद, सेवा और याद दोनों का बैलेंस समान होना चाहिए। ऐसे नहीं कोई समय ज्यादा याद है और सेवा कम, या सेवा ज्यादा है याद कम, ऐसे नहीं। जैसे आत्मा और शरीर जब तक स्टेज पर है तो साथ साथ है ना, अलग हो सकते हैं नहीं ना। ऐसे याद और सेवा साथ साथ रहे, याद अर्थात बाप समान, स्व के स्वमान की भी याद। जब बाप की याद रहती है तो स्वतः ही स्वमान की भी याद रहती है। अगर स्वमान में नहीं रहते तो याद भी पावरफुल नहीं रहती। स्वमान अर्थात बाप समान, संपूर्ण स्वमान है ही बाप समान, और ऐसे याद में रहने वाले बच्चे सदा ही दाता होंगे, लेवता नहीं, देवता माना देने वाला। तो आज बाप दादा सभी बच्चों के दातापन की स्टेज चेक कर रहे थे कि कहाँ तक दाता के बच्चे दाता बने हैं। जैसे बाप कभी भी लेने का संकल्प नहीं कर सकता, देने का करता है। अगर कहते भी है सब कुछ पुराना दे दो, तो भी पुराने के बदले नया देता है। लेना माना बाप का देना। तो वर्तमान समय बाप दादा बच्चों की एक टॉपिक, बाप दादा को बच्चों की एक टॉपिक बहुत अच्छी लगी। कौन सी टॉपिक? तो किसी ने कहा कॉल ऑफ टाइम। तो बाप दादा देख रहे थे कि बच्चों के लिए समय की क्या पुकार है। आप देखते ही विश्व के लिए, सेवा के लिए, बाप दादा सेवा के साथ ही तो है ही, लेकिन बाप दादा देखते हैं कि बच्चों के लिए अभी समय की पुकार क्या है। सेवा प्रति तो भाषण किए कर रहे हैं ना, लेकिन अपने लिए, अपने से पूछो कि हमारे लिए समय की पुकार क्या है, वर्तमान समय की क्या पुकार है। तो बाप दादा देख रहे थे कि अभी के समय अनुसार हर समय बच्चे को दातापन की स्मृति और बढ़ानी है।
चाहे स्व उन्नति के प्रति दातापन का भाव, चाहे सर्व के प्रति स्नेह इमर्ज रूप में दिखाई दे। कोई कैसा भी हो, क्या भी हो, मुझे देना है। तो दाता सदा ही बेहद की वृत्ति वाला होगा, हद नहीं, और दाता सदा संपन्न भरपूर होगा। दाता सदा ही क्षमा का मास्टर सागर होगा। इस कारण जो हद के अपने संस्कार या दूसरों के संस्कार, वह इमर्ज नहीं होंगे, मर्ज होंगे। मुझे देना है, कोई दे नहीं दे, लेकिन मुझे दाता बनना है। किसी भी संस्कार के वश परवश आत्मा हो, उस आत्मा को मुझे सहयोग देना है। तो किसी का भी हद का संस्कार आपको प्रभावित नहीं करेगा। कोई मान दे, कोई नहीं दे, वह नहीं दे, लेकिन मुझे देना है। ऐसे दातापन अभी इमर्ज चाहिए। मन से भावना तो है, देने की भावना रहे मन से, लेने की ना आवे, मुझे करना ही है। कोई ऐसी चलन व बोल जो आपके काम का नहीं है, अच्छा नहीं लगता, उसे लोग ही नहीं ना, बुरी चीज ली जाती है क्या? नहीं ना। तो मन में धारण करना अर्थात लेना, दिमाग तक भी नहीं, दिमाग में भी बात आ गई ना तो वो भी नहीं। जब है ही बुरी चीज, अच्छी है नहीं, तो दिमाग और दिल में लो नहीं, यही धारणा नहीं है, ये यानी धारणा ही न करो, और ही लेने के बजाय उसको कन्वर्ट कर दो शुभ भावना शुभ कामना में, दाता बनकर। लो नहीं, क्योंकि अभी समय के अनुसार अगर दिल और दिमाग खाली नहीं होगा तो निरंतर सेवाधारी नहीं बन सकेंगे। तब 2 मिनट शक्तिशाली योग में बाबा के घर के लिए प्रकंपन पहुंचाने के साथ साथ विशेष हम चेक करें कि मेरे दिल और दिमाग में कोई बात मैंने ले तो नहीं ली है ना किसी से। तो आज दिल और दिमाग को खाली कर देंगे सभी 2 मिनट की शक्तिशाली याद द्वारा। कर दिया ना सभी ने दिल और दिमाग को खाली, बिल्कुल स्वच्छ निर्मल साफ। कल सुबह अमृतवेला मेडिटेशन 4 से 4:30, उसके पश्चात दूसरे लिंक में 4:45 से 5:15 प्यारे मीठे बाबा की मधुर मुरली, और इसी मुरली को कल रात्रि क्लास 9:45 कंटिन्यू करते हैं। ओम शांति, शुभ रात्रि।